हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, जिसे हम घर पे आसानी से बना सकते हैं। जिसे बनाने के लिए एक कटोरी आटा, एक कटोरी आलू जिसे हमने उबाल के मैश किया हुआ है, और एक कटोरी मटर, इसे भी उबाला है, और कटा हुआ हरा धनिया, 2 बड़े चम्मच तेल, चिली फ्लेक्स, हरी मिर्च कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, आधा नींबू। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें आटा डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच तेल डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद आटा गूंथेंगे, जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह से सॉफ्ट आटा गूंदना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे। अब एक बाउल लेंगे, उसमें आलू डालेंगे और मटर डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च भी डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे और नमक स्वाद के अनुसार, नींबू का रस डालेंगे आधा, स्टफिंग को अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा मिक्स होना चाहिए अच्छी तरह से। अब एक लोई लेंगे, उसकी रोटी बेलेंगे, ऊपर से आटा लगाएंगे थोड़ा सूखा वाला, अब इसके ऊपर से जो स्टफिंग बना रखी है वो डालना है, पूरा फैला के लगाना है पूरी रोटी में, और इसको अच्छे से रोल करके मोड़ना है हाथों से, दोनों हाथों से ऐसे, इस तरीके से। अब इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं ऐसे, और एक पीस हाथ में लेना है और ऐसे दबा के दबाना है दोनों तरफ से, ऐसे ही सारे लोई करने हैं। पैन रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे, गरम होने के बाद तेल डालना है। अब इसमें एक एक करके हम डालेंगे, जब ये ब्राउन हो जाए तो इसको एक एक करके पलटना है। अभी ब्राउन कलर हो गया है, आधा पक चुके हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, नाश्ते में हम बना सकते हैं और हेल्दी भी हैं। ये बन गए हमारे, इसे निकालेंगे। तैयार है हमारा ब्रेकफास्ट, ऊपर से थोड़ा चीज़ डालेंगे, अगर चीज़ नहीं है तो बिना चीज़ के भी हो जाता है।